हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू वन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित टीम आपके सामने है। ये हैं चंचल कुमार सर, ये हैं मधुकर कोटवे सर, आप मेरे को तो जानते ही हैं, और ये हैं संतोष सर और ये हैं सुनील सर। तो पूर्णतः समर्पित टीम होने वाली है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप यहां पर अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ आप कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इसके बाद मैं बात करता हूं कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहां पर पढ़ाने को देखने को मिलेंगे। इन एजुकेटर को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो आप प्लस कोर्स के माध्यम से क्या है, आप इन एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं कि यहां पर बच्चों के हिसाब से सिलेबस या फिर कोर्स है वो डिजाइन किया गया है। यहां पर एक महीने का भी आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, आपको 3 महीने का भी कोर्स देखने को मिल जाएगा, आपको 6 महीने का भी कोर्स देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ साथ 1 साल का और 2 साल का भी कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। 1 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जो कि कुछ ही सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, 3 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जो कि सारा कोर्स रिवीजन करना चाहते हैं बहुत ही फास्ट, और 6 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जो आपातकालीन स्थिति में पेपर देना चाहते हैं, यानी कि उनकी पहले से तैयारी है, ठीक है। इसके साथ साथ 1 साल का कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 साल का भी कोर्स देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है। तो 1 साल का कोर्स तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, ना तो आप 1 साल का, ना 1 महीने का, ना 3 महीने का या 6 महीने का आप कोर्स ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को खुद को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा के लिए कम से कम 1.5 साल का टाइम तो लगता ही लगता है। समझ में आया बच्चों? तो आप 2 साल का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं, जो एस्पिरेंट बोलते हैं कि हमने 1 साल में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की एग्जाम पास कर ली, तो वो बच्चे क्या है, झूठ बोलते हैं। उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है वो छुपी हुई होती है। जैसे बच्चे 12th पास करने के बाद ही यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वो पढ़ते हैं, और ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में या फिर 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको 2 साल का सिलेबस है उसको ज्वाइन करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपकी 1 साल की जो फीस रहेगी, वो 35,000 रुपए 1 साल की फीस रहेगी, लेकिन इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप BS लाइव कोड को यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपकी जो फीस हो जाएगी 10% डिस्काउंट के बाद, वो हो जाएगी 31,500। BS लाइव भूपेंद्र सिंह लाइव कोड को आपको यूज करना है। इसके साथ साथ 2 साल की जो आपकी फीस रहेगी वो 56,000 रुपए आपकी फीस रहेगी, लेकिन इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो 10% का डिस्काउंट आपको इसमें भी मिल जाएगा। BS लाइव कोड को आप यूज कीजिए और उसके बाद इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो फीस हो जाएगी 50,400। देखो, ऐसा है कि अभी 10% का डिस्काउंट सिर्फ अभी के लिए है, हो सकता है कि बाद में आपको ये डिस्काउंट ना मिले, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूं कि क्या विशेषता है प्लस कोर्स की और अन्य कोचिंग से मैं इसका कंपैरिजन करता हूं। प्लस कोर्स में आपको 30 घंटे की क्लास देखने को मिलेगी। 30 घंटे की क्लास देखने का मतलब क्या है कि यहां पर बहुत सारे जो एजुकेटर हैं वो आपको एक ही दिन में, एक ही समय पर बहुत सारे एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं। वैसे तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक समय में बहुत सारे एजुकेटर भी आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं आप उस एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अन्य कोचिंग में आपको 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ साथ आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, जिसमें भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ लो, हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हो तो हिंदी मीडियम पढ़ लो। लेकिन अन्य कोचिंग में आप एडमिशन लोगे तो इंग्लिश मीडियम का आपका अलग से बैच रहेगा, हिंदी मीडियम का अलग से बैच रहेगा। आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में नहीं जा सकते। इसके साथ साथ 70+ टॉप एजुकेटर इंडिया के, मैंने आपको पहले दिखाए थे, इंडिया के 70 टॉप एजुकेटर आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं प्लस कोर्स पर। और इसके साथ साथ क्या है, अन्य कोचिंग में आपको 4 से 5 फैकल्टी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अन्य विशेषताएं क्या हैं, अन्य विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूं। तो ऐसी महिलाएं जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से
सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिल्ली नहीं जा पाती, ऐसी महिलाएं भी प्लस कोर्स के माध्यम से अपना सिलेबस है पूरा कर सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, जो कि भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, वो भी 2,333 पर मंथ फीस देकर वो अपना कोर्स अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं पर्यावरण की दृष्टिकोण से दिल्ली अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। तो क्या है, तो दिल्ली में आप जाओगे तो बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो इस सब के आपको फायदे मिलने वाले हैं प्लस कोर्स, के माध्यम से महिलाएं भी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी, और ऐसे बच्चे जो कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हैं, तो वो बच्चे भी क्या है प्लस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं कि और इसकी फीस, के बारे में कंपैरिजन कर लेता हूं कि दो साल आप किसी 2 लाख रुपए आपकी फीस लगेगी एक साल की, और 2 लाख रुपए आपका रहने और खाने का खर्चा हो जाएगा। आपकी जो फीस होगी वो 4 लाख रुपए, मतलब खर्चा आपका एक साल का 4 लाख रुपए, और एक साल और तैयारी करोगे यानी 2 साल तैयारी करोगे तो आपके 8 लाख रुपए 8 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको फीस कितनी है, 50,400 आपकी 2 साल की फीस है। देख लो कितना डिफरेंस है आपकी फीस में, ठीक है। अब इसी के साथ हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि किस तरह से वैकल्पिक विषय की तैयारी की जाए, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तैयारी तो खैर वो कर लेते हैं, लेकिन वैकल्पिक विषय को कैसे तैयार करें। तो 2013 से पहले, 2013 से पहले 2 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे। कितने? 2 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे। तो कोई दिक्कत नहीं थी कि एक वैकल्पिक विषय आराम से जो छात्र है वो चुन लिया करता था, लेकिन दूसरे में उसे प्रॉब्लम आया करती थी। दूसरा कौन सा वो चुने, ठीक है। तो एक तो उसने कोई सा भी चुन लिया जो पीजी में उसने किया हो, या फिर उसको उसने बीए ऑनर्स जिससे किया हो वो चुन लेगा। इंजीनियरिंग के छात्र क्या है, जिस सब्जेक्ट से पढ़े हो तो वो भी चुन सकते हैं। डॉक्टर जो एमबीबीएस किया हो तो मेडिकल साइंस भी चुन सकते हैं। लेकिन सेकेंड पेपर में ये दिक्कत आया करती थी कि भाई के चुने तो चुने क्या। लेकिन आपके सामने ये समस्या नहीं है, कि आपको 2 वैकल्पिक विषय हैं वो चुनना है। आपको अब 1 वैकल्पिक विषय चुनना है, ठीक है। अब 1 वैकल्पिक विषय ऐसा आपको चुनना है जिसमें आपको महारत हासिल करनी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन वैकल्पिक विषय के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका चुनाव, वैकल्पिक विषय का चुनाव आप खुद स्वयं करें, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी दूसरे से राय ले लूं, या फिर ऐसा छात्र जिसका सिलेक्शन हो चुका है मैं उससे सजेशन ले लूं कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो वो आपको अपने हिसाब से बताएगा। लेकिन हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा ना हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें ना हो सकता है कि उसने जो राय दी हो वो अपने हिसाब से राय दी हो, क्योंकि एक साइज की जो टोपी है वो हर व्यक्ति को फिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप स्वयं देखें कि आपको किस चीज में रुचि है, आपको ये तय करना है। दूसरा आपको देखना है कि दूसरे व्यक्ति की आप राय लोगे, जैसे आप ए व्यक्ति से मिले, ए व्यक्ति बोलेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ले लो, ठीक है, इससे मेरा सिलेक्शन हो गया। बी व्यक्ति बोलेगा कि नहीं पब एड मत लो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ए ने बोला सिलेक्शन हुआ, बी ने बोला सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक ही सब्जेक्ट के पीछे 2 राय हो सकती हैं। तो आपको यह चुनना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ना आपको ए की राय माननी है और ना ही आपको बी की राय माननी है। और कोचिंग वालों से आप राय लोगे तो कोचिंग वाले क्या बोलेंगे, जो सब्जेक्ट कोचिंग में चला रहे होंगे वो उसी की आपको राय देंगे। जैसे हिंदी साहित्य, अगर जैसे किसी कोचिंग में हिंदी साहित्य पढ़ाया जा रहा है तो आप किसी कोचिंग वाले से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि आप हिंदी साहित्य ले लो। क्यों? क्योंकि उससे उसका बिजनेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप हिंदी साहित्य लो या फिर कन्नड़ साहित्य लो या फिर आपकी कोई भी इच्छा हो, जो कोचिंग वाला आपको सजेशन देता है उसको मत मानो। कोचिंग वाला तो वही सजेशन देगा जो वो पढ़ाता है, ठीक है। तो आप ना तो दूसरे व्यक्ति की राय लो और ना ही कोचिंग की राय लो, ठीक है। आपको खुद को ये चूज करना है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सभी विषय यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी सब्जेक्ट हैं सभी से सिलेक्शन संभव है और सभी से सिलेक्शन हुए भी हैं। जैसे मैं कनिष्क कटारिया जी की बात करता हूं जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी इससे पहले, तो उनके पास मैथमेटिक्स था,
तो इससे पहले धारणा यह बनाई गई थी कि मैथमेटिक्स से सिलेक्शन होते भी नहीं है, लेकिन ये भी है कि देखो ऐसा है कि फर्स्ट रैंक भी मैथमेटिक्स से आ गई। तो आप ये समझ सकते हो कि सिलेक्शन सभी सब्जेक्ट से होते हैं, सभी सब्जेक्ट से सिलेक्शन होते हैं। अगर सिलेक्शन सब्जेक्ट से नहीं होते तो उस सब्जेक्ट को यूपीएससी खुद हटा देती, क्यों रखती वो सब्जेक्ट, नहीं रखती ना। इसीलिए क्या है, सभी विषय से सिलेक्शन संभव है। इसीलिए आपको देखना है कि आपका किस विषय में रुचि है, किस विषय में आपकी रुचि है, उस विषय को लेकर क्या है आपको आगे बढ़ना है। सभी विषय से सिलेक्शन होते हैं, लेकिन आप किस विषय में अच्छी कमांड रखते हो, किस विषय में आपकी अच्छी कमांड है और इसके साथ साथ किस विषय में आपकी रुचि है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, एक सफलता का कारण तो दूसरा क्या है असफलता का कारण बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि फिलॉसफी, फिलॉसफी से एक बच्चा है वो सिलेक्ट हो गया और दूसरा क्या है सिलेक्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक बच्चे को तो क्या है, ए बच्चा है, उसको तो फिलॉसफी में अच्छा इंटरेस्ट आया करता था, उसको सारी की सारी जो दार्शनिक बातें हैं वो समझ में आती थी, उसका धर्म में इंटरेस्ट था, लेकिन बी बच्चा है उसको फिलॉसफी समझ में आती ही नहीं थी, तो सिलेक्शन कहां से होगा। तो एक बच्चे के लिए फिलॉसफी अच्छा बन गया और दूसरे बच्चे के लिए फिलॉसफी क्या है, दूसरे बच्चे के लिए फिलॉसफी क्या है अच्छा नहीं रहा और क्या है उसको उसको वो बेकार सब्जेक्ट लगा। इसके बाद हो सकता है कि फिलॉसफी एक बच्चे को बहुत अच्छा लगे कि भाई धर्म की बातें हो रही हैं और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें मिल रही हैं, और एक बच्चा है उसका क्या है साइंटिफिक यानी कि साइंस में उसका बहुत दिमाग चलता है, तो उस साइंस वाले बंदे को अगर आप क्या नाम से फिलॉसफी दिलवा दोगे तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो आपको आपको ये देखना है कि आपकी रुचि किस, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। देखो आपको एक चीज और पता होगा स्केलिंग पद्धति के बारे में। ठीक है, स्केलिंग पद्धति का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी किसी सब्जेक्ट को गिराना चाहती है या फिर क्या है किसी सब्जेक्ट को उठाना चाहती है। ठीक है, तो स्केलिंग पद्धति का मतलब ये होता है कि एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि इसका पेपर है पहले पेपर ए सब्जेक्ट है, इसका पेपर जो है वो कठिन बन जाए, बी पेपर है इसका थोड़ा सा सिंपल बन जाए, सी है थोड़ा सा कठिन बन जाए, डी का और सिंपल बन जाए। तो स्केलिंग पद्धति का मतलब ये होता है कि कठिन और सरल इन दोनों पेपरों में क्या है समानता लेके आई जाए, यानी कठिन पेपर है और सरल पेपर है, सरल पेपर में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बच्चों के और कठिन पेपर पेपर में क्या है अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो स्केलिंग पद्धति इसलिए होती है कि दोनों सब्जेक्ट को बराबर लेवल पर लाया जाए, है ना। तो कई बच्चे बोलते हैं कि स्केलिंग पद्धति बेकार है, इसको हटा दिया जाए, यूपीएससी ने फालतू में डाल रखा है और एक विषय को लेकर ये यूपीएससी है वो उसको उठा देती है स्केलिंग पद्धति के माध्यम से और एक विषय को वो क्या है गिरा देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्केलिंग पद्धति का मतलब ये होता है कि दो सब्जेक्टों को कठिन और सरल के हिसाब से क्या है उसको समान लेवल पर ला दिया जाए। तो ये हमारी स्केलिंग पद्धति की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, जिस विषय से ज्यादा सिलेक्शन है उसमें बैठने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि भाई हिंदी साहित्य से सिलेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि हिंदी साहित्य से सिलेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हिंदी साहित्य में बैठने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। मान लो कि इसमें से हिंदी साहित्य में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और दर्शन शास्त्र में मान लो कि 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दर्शन शास्त्र में मान लो 2 बच्चे बैठे हुए हैं और हिंदी साहित्य में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 100 बच्चों में से मान लो कि 20 बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हो गया, 20 बच्चों का सिलेक्शन हो गया और दर्शन शास्त्र में 2 बैठे हैं, इसमें से 1 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब आप मुझे बताओ कि हिंदी साहित्य में से ज्यादा सिलेक्शन हुआ या फिर दर्शन शास्त्र में से ज्यादा सिलेक्शन हुआ। आप कहोगे दर्शन शास्त्र में से ज्यादा सिलेक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि यहां तो 2 बच्चे बैठे हुए थे, 2 बच्चों में से 1 का सिलेक्शन हो गया, लेकिन हिंदी साहित्य में 100 बच्चे बैठे हुए थे, 100 में से 20 का सिलेक्शन हुआ। तो आपको यह देखने की आवश्यकता है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे बैठे हुए हैं और उस सब्जेक्ट में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट से कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिया था कि हिंदी साहित्य में 100 बैठे हुए हैं और दर्शन शास्त्र में 2 बैठे हुए हैं, इसमें से 20 सिलेक्शन हुए और 2 में से 1 सिलेक्शन हुआ। तो आपको ये कंपैरिजन करने की आवश्यकता है कि किस सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी बैठे हैं और कितने सिलेक्शन हुए हैं, उसके बाद आप ये डिसाइड करना कि सिलेक्शन उस सब्जेक्ट से ज्यादा हुए हैं कि कम हुए हैं। हमें क्या है, सिलेक्शन बस ज्यादा दिखते हैं, इसके पीछे जो बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हमें मालूम नहीं चलता है। ठीक है,
कभी कभी मैं मानता हूं कि कभी कभी जो पेपर है वो कठिन बना दिया जाता है, कभी कभी पेपर कठिन बना दिया जाता है, कभी कभी मान लो कि जैसे फिलॉसफी का पेपर है वो कठिन बना दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि दूसरे साल भी फिलॉसफी का पेपर है वो कठिन आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिलॉसफी का पेपर हमेशा कठिन बना दिया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट मान लो कि ये सिंपल बना दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंपल ही आएगा। जैसे मान लो ये फिलॉसफी है, फिलॉसफी का दो साल से कठिन पेपर आ रहा है, लेकिन और ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का सिंपल पेपर आ रहा है दो साल से, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये मान लो कठिन आ रहा है और बी मान लो सरल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्योग्राफी का पेपर है वो हमेशा सरल आए, हमेशा सरल नहीं आएगा, हो सकता है कि तीसरी साल ये कठिन आ जाए और हो सकता है कि फिलॉसफी तीसरी साल सरल आ जाए, ठीक है, तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ज्योग्राफी का पेपर है वो सिंपल आ रहा है और फिलॉसफी का पेपर है वो क्या है कठिन आ रहा है, तो हम ये अनुमान कभी नहीं लगा सकते। यूपीएससी क्या है, कभी कभी अप डाउन क्या है करती रहती है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ये मत देखो कि पेपर सिंपल किसका आता है, पेपर तो हो सकता है कि आज सिंपल किसी सब्जेक्ट का आ जाए कल वो कठिन बन जाए, आपको ये देखना है कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है उसको लेकर आपको चलना है। बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं कि देख लेते हैं कि भाई सिंपल पेपर किस में आ रहा है उसी को वो ले लेंगे, और क्या है किसकी स्केलिंग अच्छी हो रही है उसको वो ले लेंगे, जिस विषय से ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं उस विषय को वो चुन लेंगे, ठीक है, और क्या है उसमें आपको रुचि है कि नहीं है ये देखते भी नहीं है। तो बच्चे क्या है, बच्चे तीन चीज देख लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट में स्केलिंग कैसी हो रही है, किसी सब्जेक्ट में बैठने वाले सिलेक्शनों की संख्या कितनी हो रही है, और किस सब्जेक्ट में कितना कठिन पेपर और सरल पेपर बन रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण विषय नहीं, महत्वपूर्ण विषय की समझ है। देखो ऐसा है कि ज्योग्राफी जैसे आपको लेना है तो ज्योग्राफी आपको लेना है, यानी कि भूगोल आपको लेना है तो भूगोल विषय तो क्या है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको पढ़ने के बाद क्या है उसको रटने की पद्धति आपकी है तो आपका सिलेक्शन भूगोल में नहीं हो पाएगा। देखो ऐसा है कि रटना नहीं है इसको समझ विकसित करनी है, भूगोल के प्रति समझ विकसित आपको करनी है, इसको अपने आप में आत्मसात आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा वैकल्पिक विषय में। वैकल्पिक विषय में कभी रटने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है बच्चों, रटोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको समझ की आवश्यकता है, कौन सा सब्जेक्ट आप आत्मसात कर पा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट को आप समझ पा रहे हो, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी का पेपर जब बनता है वैकल्पिक विषय का तो किसी भी किताब में से डायरेक्टली प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, उसके कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका सिलेक्शन संभव है, कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि समझ आपकी विकसित करने की आवश्यकता है, आपको उस सब्जेक्ट में समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी, इसलिए सब्जेक्ट आप ऐसा लो जिसमें आपकी समझ विकसित हो सके, और समझ विकसित किसमें होगी, जिसमें आपकी रुचि होगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में पॉइंट पर अब आता हूं कि एक बार अगर आपने वैकल्पिक विषय को चुन लिया, यानी कि आपने एक बार भूगोल विषय को चुन लिया, तो उसको फिर आपको चेंज नहीं करना है, उसको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, या तो आप सोच समझ के पहले भूगोल को आप चुनो, सोच समझ के बहुत सोच विचार करके कि वाकई में मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर के आपने पेपर उठा लिए, और इसके साथ साथ क्या है आपने क्या है एक बार आंसर राइटिंग करके भी देख ली तो आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे भूगोल लेना है, और एक बार भूगोल ले लिया तो आपको इसको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक साल आपने भूगोल ले लिया, दूसरी साल आपने फिलॉसफी ले लिया, तीसरी साल आपने हिंदी साहित्य ले लिया, और चौथी साल आपने क्या है कन्नड़ साहित्य ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है बच्चों। बच्चे अक्सर ये करते हैं कि जिस विषय में सिलेक्शन हो रहे हैं उसके हिसाब से क्या है वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको चेंज करते जाते हैं, तो इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो आपसे पूछेगा कि आपने पहली साल आपने हिंदी साहित्य लिया, दूसरी साल आपने भूगोल लिया, तीसरी साल आपने फिलॉसफी लिया, तो बताओ आपने ये सब्जेक्ट क्यों चेंज किए, तो ये प्रश्न इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया तो आप इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे, और जवाब आप दोगे भी तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए सोच समझ के आप वैकल्पिक विषय है उसका चुनाव करें और उसको चेंज ना करें, एक बार अगर आपने चुन लिया तो उसको क्या है आपको पूरा ही करना पड़ेगा।
और अगर वैकल्पिक विषय में, वैकल्पिक विषय में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो कॉपी चेक करने वाले को आप दोष मत देना, कॉपी चेक करने वाले को आप दोष मत देना। कॉपी चेक करने वाले को बच्चे अक्सर दोष देते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए हैं, मुझे ऐसा नहीं हुआ है, या फिर उसको हिंदी समझ में नहीं आती है, या फिर उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, मैंने तो लिखा बहुत अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कितना सब्जेक्ट को समझा है और कितना अच्छी फॉर्मेटिंग में, कितनी अच्छी फॉर्मेटिंग में आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को लिखा है, उस विषय को लिखा है, उस प्रश्न को आपने लिखा है। आपने सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, या फिर आपने कुछ प्रश्न है वो छोड़ दिए हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका कितना अच्छा पेपर गया है और कितने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। बच्चे अक्सर कॉपी चेक करने वाले को दोष देते हैं। कॉपी चेक करने वाले को आप कब तक दोष दोगे? कॉपी चेक करने वाले को अगर आप दोष देते हो, यानी कि आप क्या है, अपने आप को एक तरह से क्या है आप अपने आप को संतुष्ट करते हो। जब आप अपने आप को संतुष्ट कर दोगे तो कभी भी आप क्या है, जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। संतुष्ट नहीं करना है आपको, हमेशा अपनी गलती माननी है कि मैंने जिस सब्जेक्ट को मैंने चुना था उस सब्जेक्ट में मैं अच्छा लिखकर नहीं आ पाया, या फिर मेरी समझ विकसित नहीं थी इसीलिए मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो जब आपका रिजल्ट आए तो आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कहां पर आपने गलतियां करी हैं। वो गलतियां आपको ही मालूम होंगी, कोई और गलतियां आपकी नहीं बता सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है टेस्ट सीरीज। आप लगाओगे, पहले आप लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां कहां गलतियां कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे अब भी बोलता हूं, कॉपी चेक करने वाले को कभी गलती मत देना। वैकल्पिक विषय चेंज करना है तो एक साल के अंदर ही आप चेंज कर लो, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है आपसे एक बार गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, आपसे गलती हो गई है, सभी से गलती होती है, ठीक है, तो एक साल के भीतर ही आप चेंज कर लो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने वैकल्पिक विषय है वो आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपकी समझ विकसित नहीं हो रही है, आप 5 साल तक क्या है उसको रगड़ते जा रहे हो, तो 5 साल आपके खराब कर देगा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक साल में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस सब्जेक्ट के प्रति मेरी समझ है वो विकसित नहीं हो पा रही है और मैं इस सब्जेक्ट को आत्मसात भी नहीं कर पा रहा हूं। तो एक साल में ही उसको छोड़ दो, एक साल बेकार करना अच्छा है जिससे कि 5 साल हमारे खराब ना हो। तो एक साल खराब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि हमारे आगे के 5 साल खराब ना हो। समझ में आया बच्चों? और आपको करना क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने से पहले कुछ सामान्य किताबें, मतलब आपको विशेष किताबें नहीं पढ़नी है, सामान्य किताबें आपको पढ़नी है जो मतलब जनरल आपको क्या है नॉलेज दें। जैसे ज्योग्राफी की आप एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी को आप पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी को आपने पूरा पढ़ लिया, या फिर एक सामान्य किताब है आपने उसको पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को आप देख लो। पहले आपने एक सामान्य किताब पढ़ ली, सामान्य किताब, उसके बाद आपने क्या है एक पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम यानी उस सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपने देख लिया है। इसके बाद क्या है आपको अनसोल्ड पेपर आपको लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपको सामान्य किताब है वो पढ़नी है, और उसके बाद क्या है आपको, मैंने आपको बताया था, इसके बाद सिलेबस आपको देखना है और उसके बाद आपको अनसोल्ड पेपर आपको देखने हैं, बस देखने हैं। इसके बाद क्या है आपको ये समझ में आ जाएगा अनसोल्ड पेपर को देख के यार के वाकई में मेरे से ये प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, कंफर्टेबल जोन में हूं कि नहीं हूं। क्योंकि देखो आपने सामान्य जो किताब है वो आपने पढ़ी है, आपने सिलेबस भी आपने देख लिया है। सिलेबस आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने ये चीजें पढ़ी थी। अब आप अनसोल्ड पेपर लगाओगे तो अनसोल्ड पेपर आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अगर आप अनसोल्ड पेपर कर पा रहे हो यानी समझ आपकी विकसित हो पा रही है तो उस सब्जेक्ट को आप चूज करना, वरना बिल्कुल भी उसको चूज मत करना। पहले क्या करना है आपको, एक सामान्य किताब पढ़नी है, सामान्य किताब पढ़ने के बाद आपको पाठ्यक्रम देखना है, पाठ्यक्रम से क्या है आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीजें मैंने पढ़ी हुई थी पहले, क्योंकि आपने एक सामान्य किताब पढ़ रखी है। इसके बाद आपको अनसोल्ड पेपर है उसको देखना है, और अनसोल्ड पेपर के बाद क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि यह विषय मेरे लिए सही है कि नहीं। तो आपको इसी प्रकार से आपको क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका चुनाव करना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है आपको, किसी भी अध्याय का गहन अध्ययन करके उसे लिखने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आपने ये तीन चीज आपने कर ली, आपने सामान्य किताब पढ़ ली, उसके बाद आपने पाठ्यक्रम देख लिया, पाठ्यक्रम से क्या है आपको समझ में आ गया, पाठ्यक्रम क्यों समझ में आया क्योंकि आपने एक सामान्य किताब पढ़ ली है, उसके बाद आपने पाठ्यक्रम देख लिया, उसके बाद अनसोल्ड पेपर आपने लगा लिए,
तो अनसोल्ड पेपर स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे ना बने, लेकिन लेकिन आपको डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे भूगोल है, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का आपका विशेष रूप से मतलब जितना आप पढ़ सकते हो ना, उतना जितना आप पढ़ सकते हो उस हिसाब से आप पढ़ो उसको अच्छे से, और उस हिसाब से आप पढ़ो कि आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जैसा आप पढ़ना चाहते हो वैसा आप पढ़ सकते हो। तो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है, उसका गहन अध्ययन करना है, जैसे कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो। एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर को आपको ऐसा पढ़ना है बच्चों, ठीक है? तो ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब क्या है, किसी भी अब क्या है, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया ये, अब इसको लिखने का प्रयास करो, इसको लिखने का प्रयास करो। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है? अब इस चैप्टर में से यूपीएससी में जो प्रश्न आए गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करो। अगर आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हो तो आपके लिए एक तरह से ये सब्जेक्ट है वो लेने के लायक है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो नहीं ले सकते बच्चों, ठीक है? तो मैं तो आपसे हमेशा यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद क्या है, आप एक सामान्य बुक पढ़ो, सामान्य बुक पढ़ने के बाद आपको सिलेबस भी समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद अनसोल्ड पेपर है वो उठा के देख लो। अनसोल्ड पेपर आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेंगे, क्योंकि अनसोल्ड पेपर एक तरह से क्या है, यूपीएससी लेवल के पेपर होते हैं, तो आपने यूपीएससी लेवल की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है। इसके बाद आपको करना क्या है, एक चैप्टर आपको उठाना है, और एक चैप्टर उठाने के बाद आपको उसके पेपर लगाने हैं, उससे संबंधित आपको पेपर लगाने हैं। अगर वो प्रश्न बन रहे हैं तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट आपके लिए सही है, वरना उस सब्जेक्ट को वहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपसे कि ऐसे पेपर का आप सिलेक्शन करो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑप्शनल के रूप में, जो सामान्य ज्ञान में, यानी कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में आपके लिए काम में आए। और इसके साथ साथ मैं आपको और सुझाव देना चाहूंगा कि पीजी में आपने क्या है, एक बार अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, और उस सब्जेक्ट के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आगे आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिससे कि क्या है, आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। अगर आप नया सब्जेक्ट लोगे तो आपके क्या है, अच्छे मार्क्स आने की संभावना नहीं है। तो मैं दूसरा आपको सजेशन ये देना चाहूंगा कि आपने पीजी में जो सब्जेक्ट लिया है वही सब्जेक्ट आप क्या है, ऑप्शनल के रूप में ले सकते हो। इससे एक फायदा और है कि इंटरव्यू में आपके जो प्रश्न हैं वो क्या है, घट जाएंगे, वरना क्या है, वो पीजी वाला जो सब्जेक्ट आपने लिया था उससे भी प्रश्न पूछेगा, और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उससे भी वो आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है? और आपको एक चीज और देखनी है कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से सामग्री है कि नहीं है, ऑप्शनल विषय से संबंधित सामग्री है या नहीं है। तो आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कैसा, कि एक तो आप चयन करो वैकल्पिक विषय का, तो ऐसा सब्जेक्ट आप चयन करो जो कि क्या है, सामान्य अध्ययन में आपके काम आए। दूसरा क्या, कि आपने पीजी जिससे किया है तो कोशिश करो कि पीजी वाले सब्जेक्ट आप लेने का प्रयास करो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि उसे ही लो, आपका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। और तीसरी बात क्या, आपको ये देखनी है कि मार्केट में उस चीज से संबंधित सामग्री उपलब्ध है कि नहीं है, ठीक है? तो ये तीन सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है? तो अब मुझे लगता है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो परेशानी है वो खत्म हो गई है। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर की समाप्ति करता हूं। आपका सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी स्ट्रेटजी है वो लेकर आते हैं, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो भी आप वीडियो देखिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, ठीक है? धन्यवाद।